हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज मैं आपको गोवा ट्रिप के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अगर आप गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कितना खर्चा हो जाएगा। तो मैं आज की वीडियो में फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि आप गोवा कम से कम कितने खर्चे में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपकी ट्रिप के बजट को तीन पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूं। पहला पार्ट है फ्लाइट, दूसरा है होटल, तीसरा है लोकल कन्वेंस। तो इन्हीं तीनों पॉइंट को मिलाकर आपका 15,000 से कम का बजट बनता है। तो यार, सबसे पहला पॉइंट है हमारा फ्लाइट। तो यार, ये तो डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ हो। जैसे कि आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, लखनऊ में रहते हो, तो हर जगह का फ्लाइट का फेयर अलग होगा। जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको दिल्ली से गोवा राउंड ट्रिप अप्रॉक्स 7,000 रुपए तक की पड़ेगी। यानी कि 7,000 में आपका दिल्ली से गोवा जाना और गोवा से दिल्ली आना दोनों ही इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जो कि आपको 7,000 तक की पड़ते हैं। यहीं अगर आप लखनऊ से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको लगभग 8,000 से 8,500 तक की फ्लाइट मिलती है। तो इसी तरह से हर शहर का अलग फेयर होता है, फिर भी मैं कैलकुलेशन के लिए इसे अप्रॉक्स 9,000 तक का मान लेता हूँ, जो कि हमारे फ्लाइट के बजट में चला जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा फ्लाइट था, जिसे हमने 9,000 में लॉक कर दिया है। जैसे कि आपको मैंने बताया, 9,000 रुपए की ये फ्लाइट आपको मिलेगी, जो कि आप 1.5 से 2 महीने पहले बुक करते हैं। तो अगर आप इन्हीं फ्लाइट्स को 1 हफ्ते या 15 दिन पहले करते हैं तो आपको यही फ्लाइट 12,000 से 15,000 रुपए तक की मिलती है। तो ध्यान रहे, अपने ट्रिप को कम से कम 1.5 से 2 महीना पहले प्लान करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो है होटल। तो यार, होटल लेने से पहले मैं एक चीज और आपको बताऊंगा कि अगर आप बॉयज का ग्रुप जा रहा है तो यार, सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बॉयज जा रहे हो तो आप हॉस्टल्स ले सकते हो, जो कि आपको 300 रुपए से 500 रुपए तक के अच्छे हॉस्टल्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने ट्रिप की कॉस्ट कटिंग बहुत आराम से कर सकते हो। क्योंकि अगर आप रूम लेने जाओगे तो आपको रूम अप्रोक्स 1200 रुपए तक का मिलता है। तो अगर आप बॉयज जा रहे हो, 500 रुपए तक का हॉस्टल बेस्ट होगा आपके लिए, यानी कि आप यहाँ पे 700 तक की सेविंग कर सकते हो। बट अगर आप गर्ल्स में जा रहे हो, यानी कि अगर आप कपल हो या गर्ल्स का ग्रुप जा रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक अच्छा होटल लें जहां आपको सारी फैसिलिटीज प्रॉपर तरीके से मिले। अगर आप कपल या गर्ल्स में जा रहे हो तो मेरा सजेशन है आप एक अच्छा सा रूम लो, जो कि आपको 1200 रुपए तक के आराम से मिल जाता है। होटल लेने से पहले मैं एक बहुत जरूरी बात आपको बताने वाला हूँ। तो बात यह है कि अगर आप होटल या हॉस्टल ले रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि आपका होटल या हॉस्टल बीच से ज्यादा दूरी पे ना हो। जस्ट बिकॉज अगर आप बीच साइड ही आपको होटल मिल जाता है या हॉस्टल मिल जाता है, तो कम से कम आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जो बीच है वहां जाकर के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप होटल लेते हैं तो आपको 1200 रुपए पर डे का खर्चा आता है। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लाइट के थ्रू गोवा पहुंच गए, आपने होटल ले लिया, अब बात आती है कि आप वहां पे घूमेंगे कैसे। तो यार, गोवा में बहुत सारे टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं जो आपको एक पैकेज देते हैं। जो पैकेजेस होते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा उनको आप मत लीजिए, जस्ट बिकॉज वो 300 रुपए या 1000 रुपए जो भी लेते हैं, उस पैकेज में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ डेस्टिनेशंस ही घुमाते हैं। आपके पैकेज में 4 बीचेस हैं, तो वो उन बीचेस को एक ही दिन में कवर करते हैं। यानी कि आपको हर बीच पे आधे घंटा का टाइम मिलता है जहाँ आप ठीक से एंजॉय तक नहीं कर पाते। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मेरा सजेशन यही है कि आप वहाँ पे जाएं, और वहाँ पे आपको कार्स, बाइक्स और स्कूटीज रेंट पे मिल जाती हैं। तो स्कूटी आपको अप्रोक्स 400 रुपए पर डे के हिसाब से मिलती है, कार्स आपको 1000 रुपीज, बाइक्स आपको 500 रुपीज। इस तरह से इन तीनों चीजों का रेट है। जैसे कि गोवा में पेट्रोल सस्ता है, तो आप जितना मन चाहे उतना घूमें, आपका ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगी। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक स्कूटी लेते हैं जो कि आपको 400 रुपए तक की मिल जाती है, बट अगर आप बार्गेनिंग करेंगे शायद आपको 300 रुपए तक भी मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे कैसे डील करते हो। तो आप जैसे ही जाएं आप गोवा, या जितने दिन का भी आपका ट्रिप है, आप उन सभी दिनों के लिए एक ही गाड़ी को हायर कर लें। यानी कि आप जैसे 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप 4 दिन के लिए एक गाड़ी, एक स्कूटी या जो भी आपको लेना है वो आप ले लेंगे। तो अप्रॉक्स अगर आप स्कूटी लेते हैं तो 4 दिन के लिए आपको 1200 की स्कूटी पड़ जाएगी, और मेरे ख्याल से 4 दिन में आप 400 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा। यानी कि 1200 रुपए में
आप अपने चारों दिन आराम से इंजॉय कर सकोगे। तो मैंने ये तीन पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, तो चलिए मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला करके आपको एक 3 डेज का ट्रिप बनाता हूँ जो कि अप्रॉक्स आपका 15,000 तक में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले बात की थी फ्लाइट की, तो वो फ्लाइट आपको 9,000 की पड़ रही है, बट ध्यान रहे ये फ्लाइट्स के चार्ज लोकेशन के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होते रहते हैं और फ्लाइट्स आपको अप्रॉक्स 1.5 से 2 महीने पहले बुक करनी है। तो सबसे पहले ऐड करते हैं हम 9,000 रुपीज जो कि है फ्लाइट के। सेकंड आते हैं हमारे होटल्स। अगर आप 3 दिन के लिए होटल लेते हैं, मैंने कि जैसे बताया 1200 रुपए तक एक अच्छा होटल मिल जाएगा, तो 3 दिन का 1200 × 3 = 3600, यानी कि 3600 रुपए आपका होटल का हो गया। तो 9,000 रुपीज फ्लाइट, 3600 रुपीज होटल। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, तो वो है लोकल कन्वेंस। तो लोकल कन्वेंस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वहाँ पे स्कूटी ले सकते हैं जो कि आपको 400 रुपए तक में आराम से मिल जाती है। अगर आप 3 दिन के लिए जा रहे हैं 400 × 3 = 1200 होता है, और इसी में आप पर डे 100 रुपीज का पेट्रोल, तो आपको 300 रुपीज का पेट्रोल लग जाता है। तो कैलकुलेट कर ले, 9,000 + 3600 + 1200 + 300, ये टोटल आपका 14,300 रुपीज होता है जो कि 15,000 रुपीज से भी कम में आता है। तो अब बात करते हैं कॉस्ट कटिंग की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप 14,300 रुपीज से भी कम में अगर अपना ट्रिप अरेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे पास कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप इनको और भी कम कर सकते हैं। तो कॉस्ट कटिंग की बात करें तो आप फ्लाइट की जगह पे ट्रेन को भी ले सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो जहां आपका फ्लाइट में 9,000 रुपीज लग रहा था, वहीं आप ट्रेन से जा करके अप्रोक्स 3,000 रुपीज की सेविंग कर सकते हैं, यानी कि आप 14,300 रुपीज में डायरेक्टली 3,000 रुपीज लेस कर दीजिए, तो आपका 11,300 रुपए होता है। पैसे तो कम होते हैं बट आपका टाइम बहुत एक्सटेंड हो जाता है, यानी कि आप जहां एक दिन या कुछ घंटों में गोवा पहुंचने वाले होते हैं, वहीं आप 2 से 3 दिन में पहुंचते हैं। अब बात करते हैं सेकंड कॉस्ट कटिंग की, तो वो है होटल। तो आप होटल में भी कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। तो सिंगल रूम ले रहे हो तो वो आपको अप्रॉक्स 1200 रुपए तक पड़ता है। वहीं अगर आप 2 लोग जाते हो, आपको जो डबल बेडरूम का रूम मिलेगा वो भी अप्रॉक्स आपको 1200 रुपए तक का ही पड़ता है, जो कि आप 2 लोग में इक्वल डिवाइड किया जाए तो पर हेड 600 रुपीज आता है, यानी कि आप 3 दिन के ट्रिप में 1800 रुपीज तक का सेविंग कर सकते हो। अगर आप 600 रुपीज पर डे के हिसाब से अगर आप लेस करें तो अप्रॉक्स 1800 रुपीज होता है, जो कि अगर आप 11,300 रुपए में से लेस करेंगे तो वो आपका 9,500 रुपए आता है। तो मैंने आपको 2 बजट बताए हैं, एक है 15,000 रुपए तक का जिसमें आप फ्लाइट से जाओगे, और एक है 10,000 रुपए का जिसमें आप बाई ट्रेन जाने वाले हैं। तो ये आपके बजट हो गए 2। लास्ट में जाते जाते एक बात मैं बता दूं, ट्रेन और फ्लाइट का फेयर जो होता है वो आपके सिटी के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप गोवा 10,000 से 15,000 तक के बजट में बहुत ही आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ट्रिप में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।